किसान भाइयों राम राम और सत श्री अकाल भाई सभी को। तो भाइयों आपका हमारे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज हम इस मशीन के बारे में भाई साहब से बात करेंगे। तो भाई साहब पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत सिंह है और अच्छा। हम देव इंजीनियर से हैं। अच्छा देवे इंजीनियर वर्कर्स। अच्छा इंजीनियर कहाँ की है ये? जैसे जी हमारी पटियाले के पास है, भासों में है। अच्छा तो ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए आप। सर ये ना गाय का जो बड़े बड़े फार्म है उन्हें साइलेज मिक्स करने के लिए होती है। अच्छा साइलेज मिक्स करने के लिए। हाँ और जो इसमें ब्लेड लगे होते हैं वो इम्पोर्ट। ये कितने टन तक का साइलेज है जो मिक्स कर सकती है? ये 7 टन मिक्स करेगी। अच्छा 7 टन। 7 टन हाँ जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कहाँ से कैसे कंट्रोल होती है ये थोड़ा। ये देखिए ये यहाँ से तो इसकी डोर ओपन होता है। अच्छा यहाँ से इसकी कन्वेयर बेल्ट है उसकी एडजस्टमेंट होती है। अच्छा वो साइड में जो कन्वेयर। हाँ जी हाँ खुरलियों में डालती है। अच्छा। और ये इसका हाइट एडजस्ट करने के लिए है। हाइट को एडजस्ट और गुम कन्वेयर बेल्ट की हाइट को एडजस्ट करने के लिए। ये कन्वेयर बेल्ट की हाइट को एडजस्ट करने के लिए ये डोर की। अच्छा। और ये उसको घुमाने की बाहर निकालने की इनलेट आउटलेट है। ये जो दिया गया है ये मीटर था, ये क्या दिया गया है इसका? ये मीटर है, इसमें ना प्रॉपर डाइट बनती है। अच्छा एक भी किलो का प्रॉपर जितने जितनी जितनी पशु को चाहिए उतनी डाइट बनती है। ऐसे आप पूरे हिसाब से इसमें डाल सकते हो। इसके अंदर अपने क्या है कि फिक्स करके छोड़ दें तो वो हाँ जैसे जितना डालना मटेरियल तो उसके बारे में पूरा डिस्प्ले पे डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई है। अच्छा, उस पे आएगा। हाँ जी हाँ। तो इसके टायर के बारे में थोड़ा बताइए भाई। सर ये हैवी ड्यूटी टायर डाले हुए, इसका साइलेज और इस मशीन का वजन बहुत होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए इतने तीन टायर है। तीन टायर मतलब छह टायर है सारे। हाँ जी हैवी ड्यूटी है पूरी मशीन। और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है इनका? हाँ जी ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और अंदर से दिखाएंगे आपको। तो देखिए भाइयों मैं अभी आपको इसके अंदर से दिखाऊंगा। ऊंचाई काफ़ी है भाई मशीन की। ये देखिए इसके अंदर मिक्सर है वो इस प्रकार से लगे हुए हैं भाई। तीन बेलर है जो घुमाने के लिए साइलेज मिक्सर। काफ़ी बड़ा साइलेज मिक्सर है भाइयों। ये देखिए अगर आपका बड़ा फार्म है तो आप एक बार इनसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। पशुपालन करते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर आपके पास पशु है तो। और ये जो मशीन है ये छोटी है भाई, इसी का छोटा साइज है ये। और ये भी ऑटोमेटिक है? हाँ ये भी ऑटोमेटिक है। अच्छा सेम ही है भाई ऑटोमेटिक। कितने एचपी का ट्रैक्टर चला सकते हैं इनको? 40 एचपी का ट्रैक्टर। बाकी भाई सेम ही है। अच्छा ये भी अपने आप है। और भाई ये भी ऑटोमेटिक है भाई, डिस्प्ले लगी हुई है। और इधर साइड से है जो खाली हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ये पैमाना दिया गया, ये किसके लिए दिया गया सर? ये ड्राइवर को मालूम पड़ जाता है। अच्छा। कि डोर इतना खुला है। अच्छा उसके लिए दिया गया डोर के लिए। हाँ जी ये इसको लोड करने के लिए। जी जी यहाँ से लोड कर सकते हैं इसको। हाँ जी ये इसको लोड करने के लिए इसके अंदर जैसे चारा है वो डाल देगी। अच्छा तो इधर लीवर लगा हुआ है इसका, आगे से ऑपरेट होगा। लीवर लगा हुआ। अच्छा तो ये अपने आप ऊपर डाल देगी। तो यहाँ से देखिए भाइयों वहाँ से कंट्रोल होगा ये। और ये जो है ये बकेट है ये इसके अंदर है जो भी आपका साइलेज मिक्स किया गया है वो डाल देगा इसके अंदर। तो ये क्या है कि ट्रैक्टर 40 एचपी का ट्रैक्टर है जो इसको चला सकता है मशीन को। और आप पशुपालन करते हैं तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वीडियो में इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें भाई। और ये क्या है सर इसके बारे में बताइए? ऊपर निकालने के लिए पंप है, ये पहले फार्मर बाहर से इंपोर्ट करता था। अच्छा लेकिन अब हम इंडिया में बना रहे हैं। बहुत ही पंप है ये गोबर उठाने के लिए। अच्छा गोबर उठाने के लिए सॉलिड और लिक्विड गोबर उठना हो उठा लेता है। और ये सफाई के लिए? ये सफाई के लिए। अच्छा ठीक है सर। अच्छा टू इन वन है ये? हाँ टू इन वन है ये। अच्छा आगे को भी चलता है पीछे को भी चलता है। आगे की ओर चलता है पीछे चलता है। तो धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आ जाओ चलो गियर बॉक्स दिखाओ उसका। इसके नीचे जो गियर बॉक्स लगे हैं पूरे हैवी ड्यूटी है। अच्छा ये देखिए भाइयों इसका गियर बॉक्स है, हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स दिया गया है। इसके अंदर 3 गियर बॉक्स है भाई अलग अलग के, जो इसके प्रोपेलर है उनके लिए अलग अलग गियर बॉक्स है वो इसका जो दिया गया है उसका। उसके अंदर भाई एक ही जो प्रोपेलर है वो चलता है। देखिए ये देखिए तो भाई
काफ़ी बड़ा है भाई ये, और मज़बूत दिया गया है, मतलब बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार दी गई है इन मशीनों की। तो भाई एक बार कॉन्टेक्ट है जो ज़रूर करें सर से, आपका नंबर बता दीजिए सर। 9855 जी जी 93436। ओके सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो भाई ज़रूर कॉन्टेक्ट करें इनसे। बाकी लव यू ऑल, धन्यवाद।